गंभीर बीमारियों में मरीजों के इलाज के लिए बाजार से खरीदी जाने वाली प्रिंट रेट वाली दवाएं नरसिंहपुर जिला अस्पताल के औषधि भंडार गृह से गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गायब हुई दवाइयों की कीमत लाखों में बताई जा रही है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद CMHO डॉक्टर सुनीता अग्रवाल ने जांच के लिए कमेटी गठित कर जांच शुरू कर दी है। ये जिला चिकित्सालय से यहां से शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहां से कुछ दवाइयां उपलब्ध नहीं है और इस संबंध में शिकायत 2-3 दिन से प्राप्त हो रही थी, तो कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार इसकी जांच की जा रही है। चूँकि अभी काफ़ी रात है और इसलिए इसको सील कर दिया है। सुबह 10 बजे जो इसका खुलने का टाइम है उस समय हमारी पूरी टीम आएगी, उसमें SDM साहब रहेंगे, तहसीलदार साहब रहेंगे और जो हमारे एडिशनल CEO जिला पंचायत हैं, महिला बाल विकास अधिकारी से 4-5 अधिकारी आकर के इसका जो स्टॉक रजिस्टर है और उपलब्ध स्टॉक है दोनों की पूरी विस्तृत जाँच करेंगे और शिकायत में वर्णित जो तथ्य हैं उसको एक बार देखेंगे पूरा और विस्तृत जांच उपरांत ही इस संबंध में कुछ कहना उचित होगा। नरसिंहपुर से EMS TV के लिए राजेश पटेल की रिपोर्ट।